हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड मोर विद गौरी। और मैं गौरी आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। यस, तो मैं बनाने जा रही हूँ आज कुल्हड़ पिज़्ज़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बना है, तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए पहले मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स चॉप करके रख दिया है। बहुत बारीक कटा हुआ अनियन है और बारीक चॉप किया हुआ ही टमाटर और शिमला मिर्च है। और हमें इसको बनाने के लिए चाहिए ब्रेड। ब्रेड की देखिए मैंने कुछ इस तरह से चौकोर चौकोर मैंने इसकी कटिंग कर दी है और मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। तो देखिए इस तरह से मेरे सारे ब्रेड के छोटे छोटे पीस हो चुके हैं। अभी ये बस रेडी हो चुके हैं। अभी मैंने एक पैन में लिया है देखिए थोड़ा सा बटर, मैंने पैन में थोड़ा सा बटर डाला है और बटर के साथ मैंने ये देखिए बारीक चॉप किया हुआ अनियन इसमें ऐड कर दिया है। और अनियन को हम थोड़ा सौते करेंगे अभी। और गैस का फ्लेम अभी थोड़ा सा मीडियम ही रखना है, ना हाई करना है ना लो। और अनियन में हल्का सा गोल्डन कलर ही आए बस उतना ही तक हमें इसे सौते करना है। तो देखिए इसमें गोल्डन कलर आ गया है। अभी इसमें मैंने ऐड कर दिया है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च और इसको भी बस मैं एक मिनट के लिए अच्छे से इसे मिला दूंगी और इसे भी अच्छे से सौते कर लूँगी। बस अब शिमला मिर्च भी बस मुझे इतना ही चाहिए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास चॉप किया हुआ टमाटर था, वो टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और उसे भी मैंने अच्छे से अभी इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिज़्ज़ा स्पाइस, इसकी जगह आप ऑर्गेनो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसमें यूज़ किया है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है अभी चिली फ्लेक्स का। और बस मैं अभी ने अच्छे से मिक्स कर दूंगी और अच्छे से मैंने मिक्स करती हुई बस 2 से 3 मिनट के लिए हमें इन्हें पकाना है ताकि ये अच्छे से भुन जाए जितना भी मसाला बनाया है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच के आसपास मेयोनीज या वाइट सॉस। और मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच यूज़ किया है पास्ता सॉस और इतना ही मैं इसमें भी ऐड करूंगी तंदूरी मेयोनीज। और बस अब इन सबको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और गैस को मैंने अभी मीडियम फ्लेम पे कर दिया है और मैंने इन्हें थोड़ा सा अच्छे से मिला दिया है। तो ये जब अच्छे से मिक्स हो गया है मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है जो हमारा कटिंग किया हुआ ब्रेड था, वो मैंने ब्रेड इसमें ऐड कर दिया है। और इसको भी हम अच्छे से अभी इनमें मिक्स कर देंगे ताकि मसाला और ब्रेड दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी तक मैंने नमक का यूज़ नहीं किया था तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने बहुत थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि जो मैंने मेयोनीज वगैरह डाला है इनमें नमक ऑलरेडी था पास्ता मसाला वगैरह में, तो मैंने अभी इसमें अच्छे से इन्हें मिक्स कर दिया है। और ये जब तक मतलब 2 से 3 मिनट मुझे अभी और चाहिए, मीडियम फ्लेम पर ही मैं इन्हें लगातार मिक्स करती चली जा रही हूँ ताकि मसाला और ब्रेड अच्छे से दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएँ। तो अभी देखिए मेरा ब्रेड के साथ मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और बस अभी ये रेडी हो चुका है और मैं अभी इसको बस कुल्हड़ में डालने जा रही हूँ। मेरे पास वो चाय वाला कूलर नहीं था तो मैंने ये हांडी टाइप का ही कूलर ले लिया है। तो देखिए ये अभी मैंने कूलर में 1/4 के आसपास डाला है और ऊपर से इसमें मैंने डाल दिया है चीज़। मैं इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अभी चीज़ इसमें ऐड करने के बाद मैं इसमें अभी और पिज़्ज़ा का बेस डालूंगी। ये देखिए मैंने और इसमें ऐड कर दिया है पिज़्ज़ा बेस का और इसको भी मैंने देखिए थोड़ा दबा दबा के इसको यूज़ कर रही हूँ। और ऊपर से मैंने इसमें फिर से चीज़ ऐड कर रही हूँ और चीज़ हम जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही अच्छा ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनता है। तो मैंने इसमें सारा चीज़ ऐड कर दिया है और ऊपर से अभी मैं फिर से एक बार वही बेस ऐड करूँगी। और देखिए मैं दबा दबा के इस तरह से ये बेस भी ऐड कर रही हूँ। और ये बेस ऐड करने के बाद मैंने फिर से इसमें ऐड कर दिया है चीज़। चीज़ मैंने अच्छे से इसमें स्प्रेड कर दिया है और बताया था जैसे कि आपको कि ये चीज़ जितना ज़्यादा डलेगा इसमें उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है, टेस्टी दिखता भी है। और बस हम इसे अब माइक्रोवेव कर देंगे है। और आप चाहे तो इसे आप गैस पे भी कर सकते हैं बेक, ये गैस पे भी हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो गैस पे ही आपको करके दिखाऊँगी। तो अभी बस हम इसे माइक्रोवेव कर देंगे और 10 मिनट के लिए मैंने इसे माइक्रोवेव किया था और 10 मिनट बाद ये देखिए रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं जैसे इसमें मैंने चीज़ ज़्यादा डाला था तो चीज़ इसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये मैंने निकाल के भी आपको दिखाया तो ये कितना चीज़ी बना है। तो बताइए आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी कुल्हड़ पिज़्ज़ा की। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आप लोगों के साथ मेरी आने वाली वीडियोज़ भी शेयर कर सकूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।